हेलो स्टूडेंट, सो टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इन डीसीएन इज नेटवर्क। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क वी हैव इन कंप्यूटर्स। सो नेटवर्क क्या होता है? सो नेटवर्क इज एनीथिंग लाइक जब दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, या हम कहें एक से ज्यादा डिवाइस जब एक कनेक्शन में आती हैं तो वो एक नेटवर्क होता है। और जरूरी नहीं है कि वो आपके विद वायर्ड हो, वो वायरलेस भी हो सकती हैं। सो अब ये वेरी करती है डिस्टेंस टू डिस्टेंस की, मतलब जियोग्राफिकली स्पैन में ये मैटर करती है कि आपका जो नेटवर्क है वो ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपने दो कंप्यूटर्स को या दो मोबाइल्स को एक साथ वाया ब्लूटूथ कनेक्ट किया है, वो भी आपका एक नेटवर्क हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं ओवर द इंटरनेट अगर आप कनेक्टेड है तो भी आप एक नेटवर्क में है। सो जनरली कंप्यूटर आर डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर जियोग्राफिकल स्पैन, वो जियोग्राफिकल स्पैन पे बेस्ड होते हैं। देन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर। सो जब दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, वो एक नेटवर्क होता है। अ नेटवर्क कैन बी एज स्मॉल एज डिस्टेंस बिटवीन योर मोबाइल फोन एंड इट्स ब्लूटूथ हेडफोन। सो आपने अपने मोबाइल फोन को अपने ब्लूटूथ हेडफोन के साथ कनेक्ट किया, वो भी एक नेटवर्क है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो डिवाइसेस कनेक्ट हो गई हैं, आपका ब्लूटूथ आपके मोबाइल से कनेक्टेड है और आपके मोबाइल में जो गाना चल रहा है वो आपको आपके हेडफोन्स में सुनाई दे रहा है। ओके, सो ये भी एक नेटवर्क हो गया। एंड एज लार्ज एज द इंटरनेट इटसेल्फ। सो इंटरनेट क्या है? खुद में एक नेटवर्क है। सो वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो जाता है। सो कवरिंग द होल जियोग्राफिकल वर्ल्ड। सो नेटवर्क क्या हो गया आपका? चाहे वो आपका एक बहुत पर्सनल नेटवर्क हो गया या आपका एक इंटरनेट के ऊपर पूरा बड़ा नेटवर्क हो गया, मतलब जहां भी आपके दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो आपकी क्या है? नेटवर्क है। नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ नेटवर्क्स वी हैव। सो जैसे कि हमने बात की ब्लूटूथ की, सो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? ये आपका स्मॉलेस्ट नेटवर्क है जिसको आप, ये बहुत क्या होता है आपका पर्सनल होता है, वेरी पर्सनल, लाइक आपका ब्लूटूथ जो होता है वो इसमें आता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम इसको पैन भी बोलते हैं। सो इज द स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज वेरी पर्सनल टू अ यूजर। ये यूजर के पर्सनल होगा। इट दिस मे इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस और इंफ्रारेड इनेबल्ड डिवाइस। ये वाली डिवाइसेस होती हैं इसमें जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती हैं। देन पैन हैज कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर्स। इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी? 10 मीटर्स की होगी। 10 मीटर्स के अंदर अंदर आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ। उससे ज्यादा आप जाएंगे 20-30 तो फिर वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, वो कनेक्ट नहीं होगा। पैन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ इनेबल्ड हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर एंड टीवी रिमोट्स। सो ये क्या है? ये कुछ डिवाइसेस है जो हमने इसमें बताई है कि क्या पेन में कौन कौन सी डिवाइसेस को आप ले सकते हैं। या तो वो आपके जो कंप्यूटर है उसका कीबोर्ड हो सकता है, वायरलेस कीबोर्ड या वायरलेस माउस आपका हो सकता है, आपके ब्लूटूथ हेडफोन्स हो सकते हैं, आपके वायरलेस प्रिंटर्स हो सकते हैं, आपके टीवी का रिमोट हो सकता है। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल पिकोनेट इज ब्लूटूथ इनेबल्ड पेन विच में contain up to 8 devices connected together in a master slave fashion. So इसमें क्या होता है? पिकोनेट क्या है? एक ब्लूटूथ इनेबल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसमें कि अप टू 8 जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं इन मास्टर स्लेव फैशन। उस तरह से मास्टर स्लेव फैशन जो होता है उस वे में वो कनेक्टेड होती है। देन नेक्स्ट वी हैव इज लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया क्या है कि जैसे कि पर्सनल एरिया था वो पर्सनल में था, अब लोकल एरिया क्या है? उससे थोड़ा वाइड एरिया में होगा, जैसे किसी बिल्डिंग में हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। सो ये उससे ज्योग्राफिकली लार्ज एरिया में होगा। ओके, सो अ कंप्यूटर नेटवर्क स्पैंड इनसाइड अ बिल्डिंग और एंड ऑपरेटेड अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज जनरली टर्म्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। सो विद इन अ बिल्डिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो वाला नेटवर्क हमारा क्या होगा? लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। या हम ये कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑफिस है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सो वहां पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका क्या? लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा। नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड
inland may vary from at least 2 to as much as 16 million. So जो local area network में हमारे हम devices connect कर सकते हैं वो कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 16 million हम connect कर सकते हैं. Then LAN provides very LAN provides useful way of sharing resource between user and between end user. So ये क्या करता है, कुछ resources हैं जो बहुत useful हैं वो provide कराता है. The resources such as कौन कौन से resources हो सकते हैं, हमारा printer हो सकता है, file server हो सकता है, scanner हो सकता है and internet are easily shareable among the computer. So यहाँ पे क्या है कि हमारा जैसे suppose हमारा कोई printer है या scanner है वो वाले resources ही हमें provide कराते हैं और internet को भी यहाँ पे हम use करते हैं. तो कोई भी आपका एक वर्क स्टेशन हो गया, वहां से आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और आपका ये फाइल सर्वर है, आपका प्रिंटर हो गया, तो यहाँ पे आप वर्क करा सकते हैं. देन लैन आर कंपोज्ड ऑफ इनएक्सपेंसिव नेटवर्किंग एंड राउटिंग इक्विपमेंट्स. यहाँ पे जो आपके बहुत ज्यादा क्या महंगे वाले जो एक्सपेंसिव नेटवर्क है या राउटिंग इक्विपमेंट्स है उनकी जरूरत नहीं होती, आप इनएक्सपेंसिव भी यूज कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए और राउटिंग में. Then it may contain local server serving file storage. हम local file server use कर सकते हैं. Then and other locally shared application. और कोई भी local जो shared applications हैं वो हम यहाँ पे use कर सकते हैं. It mostly operate on private IP address. ये mostly जो private IP addresses होते हैं उन पे operate होती है. Then does not involve heavy राउटिंग, बहुत ज्यादा हैवी राउटिंग्स की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है. लैन वर्क अंडर इट्स ओन लोकल डोमेन, ये अपने खुद के एक लोकल डोमेन पे काम करता है और कंट्रोल्ड होता है सेंट्रली. सेंट्रली ये कंट्रोल्ड होगा. देन लैन यूजेस ईदर इथरनेट और टोकन रिंग टेक्नोलॉजी. ये या तो इथरनेट यूज करता है या तो फिर टोकन रिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है. इथरनेट इज मोस्टली मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड लैन टेक्नोलॉजी. सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इथरनेट है एंड यूजेज स्टार टोपोलॉजी और वो स्टार टोपोलॉजी यूज करता है. वाइल टोकन रिंग इज रेयरली सीन, और जो टोकन रिंग है वो बहुत रेयरली यूज होता है. देन लैन कैन बी वायर्ड, वायरलेस एंड बोथ वंस एट ए टाइम. सो ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है कि वो वायर से भी कनेक्टेड है, वायरलेस भी, ऐसा भी इसमें हो सकता है. Then next we have is metropolitan area network. So in MAN, so basically हम metropolitan area network को MAN बोलते हैं. So ये क्या है, ये local area से ज्यादा expanded होता है. जैसे कि local area हम एक building में use कर रहे हैं तो अब ये क्या होगा, एक city में हम use करेंगे, उससे geographically large area में हम इसको use करेंगे. Then generally expanded throughout a city such as टीवी के वायर, केबल टीवी नेटवर्क. जो हमारे जो केबल टीवी होता है उसके जो नेटवर्क्स हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. जैसे सिटी में पूरा वो अंडरग्राउंड वायर्स होती हैं, वो एक्सपेंडेड होती हैं. सो इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ इथरनेट, इथरनेट की फॉर्म में हो सकता है, टोकन रिंग की फॉर्म में हो सकता है, एटीएम में हो सकता है, या तो फिर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस में हो सकता है. So, इस तरीके से ये क्या है, किसी भी फॉर्म को ये यूज कर सकता है. देन मेट्रो इथरनेट इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय आईएसपी. देन दिस सर्विस इनेबल्स इट्स यूजर टू एक्सपेंड द लोकल एरिया नेटवर्क. सो ये वाली सर्विस क्या करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो आपके यूजर का लोकल एरिया नेटवर्क है उसको और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट ऑल ऑफ इट्स ऑफिसेस इन द सिटी. सो जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसके कुछ और भी ऑफिसेस क्या है सिटी के अंदर है तो ये उनके साथ भी कनेक्टेड हो सकता है. सो एज वी कैन सी हियर एक हमारे पास मैन है, मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. सो ये क्या है, अलग
ये सिटीज में अलग अलग ऑफिसेज के साथ कनेक्ट हो जाता है. ओके, सो द बैकबोन ऑफ मैन इज हाई कैपेसिटी. इसकी जो हाई कैपेसिटी है ये इसका बैकबोन होती है, हाई स्पीड होती है इसमें, फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो रहा है. देन मैन वर्क इन बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. सो जो मैन है ये इन बिटवीन है लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क. सो मैन प्रोवाइड अपलिंक फॉर लैन एंड वैन. सो ये क्या करता है कि अपलिंक प्रोवाइड कराता है लैन के लिए भी, वैन के लिए भी और इंटरनेट के लिए. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वाइड एरिया नेटवर्क. एज द नेम सजेस्ट, हमें नाम से पता चल रहा है वाइड एरिया नेटवर्क है, मतलब ये बहुत ज्यादा वाइड एरिया में फैला हुआ होगा. सो ओवर द कंट्रीज ये होगा. ओके, सो वाइड एरिया नेटवर्क वैन कवर्स अ वाइड एरिया विच मे स्पैन अक्रॉस प्रोवियंस एंड इवन अ होल कंट्री. ये होल कंट्री में भी हो सकता है. जनरली टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क आर वाइड एरिया नेटवर्क. सो जो हमारा टेली कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक जगह पे बैठे हुए हम कहीं पे भी बात कर सकते हैं. सो उस कम्युनिकेशन के टाइम पे हमें क्या, वाइड एरिया नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं. दीज नेटवर्क प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू मैन एंड लैंड. और ये जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है ये हमें प्रोवाइड कराता है कनेक्टिविटी लैंड के साथ भी और मैन के साथ भी. देन सिंस दे आर ऑक्यूपाइड एंड वेरी हाई स्पीड बैकबोन. जब सो क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, वो बैकबोन जो है वो हाई स्पीड के साथ ऑक्यूपाइड है. सो जो वैन है आर वेरी एक्सपेंसिव नेटवर्क इक्विपमेंट. सो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हमें यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें ओवर द कंट्री यहाँ पे कम्युनिकेट करना है. देन वैन में यूज एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड. हमें यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ती है वो एडवांस जो होती हैं, जैसे कि हम ATM यूज कर रहे हैं या हम फ्रेम रिले यूज कर रहे हैं या सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं जिसको हम सोनेट बोलते हैं. सो वैन मे बी मैनेज्ड बाय मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस. सो वैन जो है हमारा ये बहुत ज्यादा हो सकता है कि इसको मैनेज करने के लिए हमें मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ सकती है. देन द लास्ट नेटवर्क वी हैव इज इंटरनेटवर्क. सो इंटरनेटवर्क में क्या होता है कि ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है. ओके, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेटवर्क, और सिंपली हम इसको इंटरनेट बोल सकते हैं. ठीक है, सो इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट. सो अभी अगर हम प्लैनेट अर्थ की बात कर रहे हैं तो ये जो इंटरनेट है ये सबसे ज्यादा फैला हुआ नेटवर्क है. देन इंटरनेट ह्यूजली कनेक्ट ऑल वैन एंड इट कैन बी कैन हैव कनेक्शन टू लैंड एंड होम नेटवर्क. सो इंटरनेट क्या है, ये मतलब इतना ज्यादा कनेक्टेड है सबसे कि ये वैन से भी कनेक्टेड है, ये लैंड से भी कनेक्टेड है, ये होम नेटवर्क से भी कनेक्टेड है. सो इंटरनेट यूजेस TCP/IP प्रोटोकॉल एंड यूजेस IP एज इट्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल. सो जो इंटरनेट है वो किस पे वर्क करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल पे वर्क करता है और यूज करता है IP एज इट्स एड्रेसिंग प्रोटोकॉल. सो एड्रेसिंग प्रोटोकॉल के लिए क्या यूज करता है, IP यूज करता है, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है. देन प्रेजेंट डे इंटरनेट इज वाइडली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग IPv4. सो इंटरनेट जो है वो किस के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है अभी एंड प्रेजेंटली, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के थ्रू. बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ एड्रेस स्पेसेस इट ग्रेजुअली इमिग्रेटेड फ्रॉम IPv4 टू IPv6. सो यहाँ पे क्या हुआ कि इंटरनेट का जो यूसेज है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो हमारे पास एड्रेसेस है वो शॉर्टेज पड़ गई थी, तो उसके लिए क्या हुआ कि IPv4 जो था हमारे पास उसको एक्सटेंड करके उसका एक नया वर्जन आया जिसको हम IPv6 बोलते हैं. सो इंटरनेट इनेबल इट्स यूजर टू शेयर एंड एक्सेस एनॉमरस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड. सो इंटरनेट क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है कि आप शेयर कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो एनॉमरस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड. अब वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, सो इट यूजेस WWW, FTP, ईमेल सर्विसेज, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग एटसेट्रा. सो ये सारी चीजें क्या है, एक यूजर जो यूज कर सकता है.
इंटरनेट की हेल्प से एट अ ह्यूज लेवल इंटरनेट वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल. जो इंटरनेट है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे वर्क करता है. देन इंटरनेट यूज हाई स्पीड बैकबोन ऑफ फायर फाइबर ऑप्टिक्स. से क्या यूज करता है, हाई स्पीड ऑफ बैकबोन यूज करता है जो कि फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से होती है. टू इंटरकनेक्ट वेरियस कॉन्टिनेंट फाइबर आर लेड अंडर सी नोन टू अस एज सबमरीन कम्युनिकेशन केबल. सो जब हमें इंटरनेट यूज करना है, हम अदर अदर कंट्रीज में कॉन्टिनेंट्स में बात करनी है, इन बिटवीन वहाँ पे सी भी है. सो यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स की हेल्प से हम यूज करते हैं उसको. देन नेटवर्क इज वाइडली डेवलप्ड ऑन WWW दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब सर्विंग यूजिंग HTML linked page. So यहाँ पे क्या होता है, HTML जो हमारा पास होता है, HTML पे हम कोडिंग करके क्या करते हैं, एक WWW का पेज के ऊपर एक पेज बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, देन उसको हम एक्सेस करते हैं एंड क्लाइंट उसको फिर एक्सेस कर पाता है, जिसको हम बोलते हैं वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर पे हम उसको वर्क करते हैं, जो भी हमारे क्रोम हो गया है, मोज़िला फायरफॉक्स है, उन सब पे हम यूज करते हैं. देन When a user requests a page, जब भी user किसी पेज के लिए request करता है using some web browser located on some web server, तो क्या होता है, एक web browser हम use करेंगे कि हमने Chrome खोल लिया है, हमने Mozilla Firefox खोला है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी search करते हैं तो वो कहाँ से आएगा, web server से आएगा जहाँ पे वो सारा located है, सारा जो data है वो located है. So the web server respond with the प्रॉपर HTML पेज. तो वो जो सर्वर है वो क्या करेगा, एक HTML पेज देगा जो कि आपकी एक वेबसाइट होती है. ओके, सो वो उस वेबसाइट को खोल देगा. सो द कम्युनिकेशन डिले इज वेरी लो. यहाँ पे कम्युनिकेशन डिले जो है वो बहुत कम होता है, आपके जस्ट क्लिक क्लिक पर वो वर्क करता है, आप एक क्लिक करेंगे आपके पास सब कुछ आ जाता है. देन इंटरनेट सर्विंग मैनी प्रपोजेज एंड इज involved in many aspect of life. Some of them are, अब ये सारा जो work हो रहा है internet का वो क्या क्या देता है आपको, websites available कराता है, then emails है, then instant messaging है, blogging है, social media है, marketing है, internet networking है, then resource sharing है, audio video streaming है. So ये सारी चीजें आप क्या internet work को use करके कर सकते हैं. So this is all about the type of networks and